पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सागौर थाना क्षेत्र में स्थित गुरुकृपा गार्डन में पेशा एक्ट जागरूकता प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र में शांति एवं विवाद निवारण समितियां बनाकर क्षेत्र में छोटी मोटी लड़ाई झगड़े या SC ST जाति सूचक की शिकायतों को भी समिति को सूचना मिले और समिति के सदस्यों द्वारा उस विवाद का निवारण स्थानीय स्तर पर ही किया जा सके। पूर्व समय में भी इसी तरह का ग्राम पंचायतों में ग्राम के आपसी विवादों निवारण कर दिया जाता था। उसी प्रकार ये शांति एवं विवाद निवारण समिति काम करती है। पैसा एक्ट अंतर्गत मंचासीन अधिकारियों ने अपने अपने स्तर से उदाहरण देते हुए लोगों को कानून के विषय में जानकारी दी एवं समझाया। पीथमपुर से संजय सोनग्रह की रिपोर्ट। पेशा एक्ट में एक प्रावधान है शांति निवारण समिति, शांति एवं विवाद निवारण समिति, उसके संबंध में पुलिस से उसका मतलब है। और पुलिस में जो कर्तव्य, पुलिस के जो कर्तव्य हैं उसके लिए और उनके जो कर्तव्य हैं साध निवारण समिति के लिए, उस संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। किस तरह के जो है पेशा के कानून के लिए जानकारी दी गई है? उसमें एक ग्राम में शांति एवं विवाद निवारण समिति होती है, उसमें 5 या 7 सदस्य होते हैं और उन सदस्यों को थाने में जो झगड़े की FIR होती है 354 के और 155 के शिकायतें होती हैं, उसको साथ निवारण समिति को सौंपा जाता है और उसका उस समिति के माध्यम से उस झगड़े का निवारण किया जाता है। इसलिए ये अपने कंपनी बुलाई गई थी, समितियों को बुलाया गया था। पीतमपुर सब डिवीजन में किन किन थाना क्षेत्रों के अंतर्गत जो समितियां अब तक गठित हो चुकी? सागौर है और पीतमपुर है। पीतमपुर में 10 गांव हैं और सागौर में 54 गांव। आपका नाम? रोनेन सिंह बघेल, CSU पीतमपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।